क्योंकि अगर आपने एक बार इसे कर लिया तो जिस पर भी इस वशीकरण का उपयोग करेंगे वो संभोग के लिए राजी हो जाता है, वो दौड़ता हुआ आपके पास आ जाता है। जी हाँ, आपसे मिलने के लिए वो तड़पने लग जाता है, आपको कॉल करने लगता है। आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों, लेकिन सिर्फ एक रात अगर आपने ये क्रिया कर ली तो वो जिस पर आप इस क्रिया को आजमा रहे हैं वो आपसे बेइंतहा प्यार करने लग जाता है। चाहे वो लड़की हो या महिला हो या आपकी पड़ोसन हो या फिर आपकी भाभी, आप किसी के ऊपर भी इस क्रिया को कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि संभोग वशीकरण क्रिया क्या है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी जो स्टेप बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि संभोग वशीकरण करने के लिए आपको एक क्रिया करनी होगी। इस क्रिया को करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पर ही, अपने बिस्तर पर ही सोते सोते इस क्रिया को कर सकते हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, इस क्रिया को करने के बाद आपको अपने बिस्तर से उठकर कहीं और नहीं जाना है, बिस्तर पर ही लेटे रहना है, यहाँ तक कि सो जाना है दोस्तों। तो क्रिया करने से पहले आप नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लें और उसके बाद अपने बिस्तर पर लेट जाएं। सोते समय आपको एक मंत्र का उच्चारण करना होगा, वो भी सिर्फ 9 बार। 9 बार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे और जिस भी स्त्री या महिला को आप संभोग वशीकरण के लिए राजी करना चाहते हैं उनके बारे में आपको सोचना होगा। आपको अपने दिमाग में, अपने मन में उस महिला की जो आकृति है वो देखनी होगी और उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण आपको 9 बार करना होगा। दोस्तों, इसके बाद एक बात का ध्यान रखिए कि आपको बिस्तर से उठकर कहीं नहीं जाना है, सीधा सुबह ही उठना है। ये मंत्र है त्रि त्रि त्रि, ये 3 शब्दों का मंत्र है जो कि आपको 9 बार बोलना है, यानी कि आपको त्रि 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 9 बार बोलना है। इस तरह से आपकी संभोग वशीकरण की क्रिया पूरी हो जाएगी दोस्तों, और वो महिला जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं संभोग के लिए, वो आपके लिए तड़पने लग जाएगी। आपके पास उसका खुद कॉल आएगा, आपसे मिलने के लिए वो समय मांगेगी, आपसे मिलने के लिए जगह पूछेगी कि कहाँ आपसे आकर मिल सकती है। एक एक पल वो आपके लिए तड़पने लग जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों